Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ali Reza and welcome to Pangravity. Dawn newspaper ke ji editorials aur opinions ka analysis kar rahe the with practice question, and today is 21st of December 2023. To ji kya hai aaj ke Dawn newspaper ke andar? जिस तरह हम रूटीन में करते हैं, एनालाइज करेंगे 1, 2, 3 इन तीन एडिटोरियल्स को, देन मूव फॉरवर्ड 4, 5, 6 एंड 7 इन चार ओपिनियंस को विद पिक्चर। और इसको हम एनालाइज कैसे करेंगे, सीएसएस और पीएमएस के पर्सपेक्टिव में जो है इसको एनालाइज किया जाएगा, ताकि इसमें से ऐसा डाटा जो हमारे पेपर्स में काम आ सके और स्पेशली जो हमारे आइडियाज की मैच्योरिटी है, मैच्योर कर सके हमारे आइडियाज को। सो द मेन पर्पस ऑफ दिस सीरीज इज टू मैच्योर योर आइडियाज। मैच्योर योर आइडियाज मीन क्या है जी, इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में, पॉलिटिक्स के पर्सपेक्टिव में, जियोपॉलिटिकल जो इश्यूज हैं या लेटेस्ट जो भी इश्यूज चल रहे हैं उनके बारे में, जो ये नए नए ओपिनियंस आते हैं, हिस्ट्री के साथ कंपैरिजन किया जाता है, तो ये सारा काम हम करेंगे। और इंशाल्लाह यू विल लर्न मैनी न्यू थिंग्स इन दिस लेक्चर। जिस तरह से आप रोज हर लेक्चर के अंदर नई चीजें सीखते हैं, तो यहाँ आज के दिन भी आप कई नई चीजें जो है वो सीखने को मिलेंगी। पीडीएफ लिंक जो है इस न्यूज़पेपर का और आज के लेक्चर का ये डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। और व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी होगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां से आप हमको ज्वाइन भी कर सकते हैं। एंड 7 चैप्टर्स जो हैं इस वीडियो के बना दिए जाएंगे, जिसमें से 3 ओपिनियंस के होंगे और 4 जो है 3 एडिटोरियल्स के होंगे और 4 ओपिनियंस के होंगे। तो इनको 7 जो है चैप्टर्स के अंदर इसकी डिवीजन कर दी जाएगी टाइमलाइन के मुताबिक डिस्क्रिप्शन के अंदर। एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। और ये रही स्लाइड आपके ग्लोबल इश्यूज की, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, जो पुराने हैं उनको इसका पता है, ये कंटिन्यूस है सारे के सारे जो है इश्यूज, आप इनको एक दफा पढ़ लेना है और इनके बारे में आपको क्लैरिटी होनी चाहिए बिफोर गोइंग टू एग्जाम। और ये करंट नेशनल इश्यूज हैं, इनके बारे में भी आप लोगों ने पढ़ लेना है वीडियो को पॉज करके। एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर टीम, दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शेयर एंड कमेंट। आपने जरूर करना है, बताना है कि लेक्चर्स की जो क्वालिटी है उसके मतलब, और इसके अलावा जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उनको हम नोट डोट हर चीज को नोट कर रहे हैं। एंड इंशाल्लाह विद टाइम जो है, जैसे जैसे हम एक्सपेंड करेंगे, ये जो हमारी टीम है इसकी एक्सपेंशन होगी, तो हमारे जो लेक्चर्स हैं उनकी तादाद भी बढ़ती जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन हमेशा हम फोकस करेंगे क्वालिटी के ऊपर, और इंशाल्लाह एक मिनट भी आपका हम लोग जाया नहीं होने देते। सो टुडे इज फर्स्ट वन, मल्टीपल कैंडिडेट। अब इसमें क्या है, इसमें जी ये टॉपिक आपका जो है लिंक करेगा, मेन जो आपके टॉपिक्स हैं डेमोक्रेसी का और इकोनॉमी का, उसके अंदर आप इसको फिट कर सकते हैं इस डिस्कशन को। अब होता क्या है जी, सादा सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर जो है कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, इलाके होते हैं, डिलिमिटेशंस कर दी जाती हैं कि ये इलाका है जी। फॉर एग्जाम्पल मैं कह देता हूँ, ये है नेशनल असम्बली का हल्का है, फॉर एग्जाम्पल 009, यहां पर कहा जाता है कि जी इलेक्शन करवा रहे हैं। तो अब क्या होता है, पीटीआई के इमरान खान साहब यहाँ खड़े हो जाते हैं, साथ में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का एक बंदा खड़ा हो जाता है, पाकिस्तान पीपल पार्टी का एक बंदा खड़ा हो जाता है, और इलेक्शन लड़ते हैं। और यही कैंडिडेट जो है ये एक दूसरे हल्के NA007 में भी खड़े हो जाते हैं, एक और पे खड़े हो जाते हैं। जिस तरह इमरान खान साहब को जो है लास्ट टाइम जो है 8 हलकों पर वो खड़े हुए, 8 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के ऊपर उन्होंने इलेक्शन जीता। तो जब इलेक्शन जीतने के बाद अगर बंदा एक जीत भी जाता है, तो वो एक ही जो इलाका है उसको चूज कर लेता है, बाकी की सीटें फिर खाली हो जाती हैं। उन बाकी की सीटों के ऊपर दोबारा से इलेक्शन करवाया जाता है, और उस इलेक्शन करवाने में क्या होता है, दोबारा से पैसा खर्च होता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दोबारा से इंतजाम करने पड़ते हैं, दोबारा से इलेक्शन करवाया जाता है, और फिर जो है दोबारा से बंदे सिलेक्ट होते हैं। तो इस चीज के बारे में वो कह रहा है कि जनाब एक से ज्यादा जो बंदे खड़े होते हैं ना एक इलाके में, एक बंदा वो 5-5, 6-6 इलाकों में खड़ा हो रहा है अकेला इलेक्शंस के लिए, तो ये जो प्रैक्टिस है ये बिल्कुल गलत है। इससे एक तो इकोनॉमी भी डिस्टर्ब होती है, हमारे पास तो पहले पाकिस्तान के पैसे नहीं है तो यहाँ पर भी जाया होते हैं, और दूसरा जो आपकी डेमोक्रेसी है ना उसकी जो असेंस है, उसका जो प्रोसेस है ना, उसके लिए अगेंस्ट है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह से फिर क्या होता है कि जो बंदे होते हैं वोट डालने वाले, उनकी उनका जो है ना कॉन्फिडेंस कहने या उसकी उनका जो लेवल है ना, उस यकीन नहीं रहता उनका डेमोक्रेसी के ऊपर। तो इस तरह की बातें जो है इसके अंदर वो डिस्कस करता है। तो क्या कहता है,
कहता है ये दो अदारे हैं, पिल्डत और यूएनडीपी। इन दो अदारों ने रिसर्च की, ठीक है, और इन्होंने कहा कि अब जो है पॉलिटिकल लैंडस्केप जो पाकिस्तान का है उसके अंदर रिफॉर्म की जरूरत है, और वो रिफॉर्म ये है, लिमिटिंग द नंबर ऑफ सीट्स एंड इलेक्शन कैंडिडेट कैन कंटेस्ट। ये जो मैंने पीछे आपको स्टोरी सुनाई, तो ये वाली रिफॉर्म करने की जरूरत है पाकिस्तान के पॉलिटिकल लैंडस्केप के अंदर। तो आप ये वाली जो लाइन है इसको लिख सकते हैं कि डेमोक्रेसी के हवाले से इस लाइन को लिख सकते हैं, इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में इस लाइन को लिख सकते हैं, और आगे इसको फिर आप एनालाइज कर सकते हैं, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। और इसकी वो एग्जाम्पल देता है, यानी कि कहता क्या है कि ये दो अदारे पिल्डत और यूएनडीपी क्या कहते हैं कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल लैंडस्केप के अंदर रिफॉर्म की जरूरत है, और रिफॉर्म क्या है कि जनाबी अली नंबर ऑफ सीट्स जो है ना जो भी किसी कैंडिडेट को अलॉट की जाती हैं उनको कम कर दिया जाए, किस किस इलाके में वो इलेक्शन लड़ेगा इसको क्या करें दिया जाए, लिमिट में ले आए, ठीक है। अब ये दो अदारे कौन से हैं ये मैं बाद में आपको इसका बताता हूँ, ये कौन है क्या काम करते हैं, लेकिन पहले मैं इस एडिटोरियल को डिस्कस कर लूँ। फिर वो मिसाल लेता है इमरान खान की, इमरान खान ने 8 कॉन्स्टिट्यूएंसी से क्या किया, पिछले साल इलेक्शन लड़ा, ठीक है, और उसके बाद जमात इस्लामी के एमएनए ने कहा कि एक प्राइवेट बिल इंट्रोड्यूस करवाया कि ये काम जो है ऊपर जिसके रिफॉर्म के बारे में कहा जा रहा है, तो इन जमात इस्लामी वालों ने कहा कि इसको लिमिट जो है ना इसके ऊपर लगाई जाए, इसको थोड़ा किया जाए, लेकिन कोई इसकी बात को नहीं गौर व फिक्र से सुना गया। अब वो ग्लोबल लेवल में बताता है कि दूसरी दुनिया में क्या प्रैक्टिस हो रही है, इंडिया की बात करता है तो वहां पर सिर्फ आप मैक्सिमम दो हलकों से इलेक्शन लड़ सकते हैं, बांग्लादेश में आप मैक्सिमम तीन हलकों से इलेक्शन लड़ सकते हैं, और यूके के अंदर आपको लो नहीं है एक से ज्यादा हलकों से इलेक्शन लड़ना। तो ये सिर्फ प्रैक्टिस पाकिस्तान के अंदर है कि एक बंदा है और वो आठ आठ इलाकों से हलकों से इलेक्शन लड़ रहा है, और उसके बाद वो ये जीत जाता है और एक हलका वो अपने पास बाकी रख लेता है और बाकी हलकों पे दोबारा इलेक्शन होता है। अब उससे क्या होगा, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या हैं, जो उसके नेगेटिव ये हैं कि फाइनेंशियल बर्डन जो है ना वो इलेक्शन कमीशन को बियर करना पड़ता है, और इसका जो एस्टीमेट लगाया गया है वो 20.7 बिलियन रुपीज है, कि जब एक बंदा एक हल्के से जीत जाता है दूसरे से भी जीत जाता है तो अल्टीमेटली सीट तो उसने एक ही रखनी होती है ना, दूसरी चीज जो है वो खाली कर देता है और वहां पर दोबारा इलेक्शन करवाया जाता है, तो उसका खर्चा है 20.7 बिलियन रुपीज, और ये खर्चा अल्टीमेटली कहाँ से होगा, जो टैक्स पेयर्स आपके हैं उनके पैसों से, जो गरीबों का टैक्स आप लोग लेते हैं वहां से। तो ये एक तो फाइनेंशियली बर्डन पड़ता है इकोनॉमी के ऊपर, दूसरा जो है ये वीक कर देता है, वीकेंड्स वोटर ट्रस्ट नहीं रहता, वोटर्स को ट्रस्ट नहीं रहता डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर ना, कि वो उन्होंने एक बंदे को इलेक्शन में एक हल्के में जितवा दिया, वो बंदा बाद में सीट ही छोड़कर चला गया, फिर वहां पर दूसरे बंदे ने वोट कर इलेक्शन आके लड़ा, तो वो फिर ना ट्रस्ट जो है ना वो एक तो ये चीज रह जाती है। और फिर एक और चीज वो कहता है कि वो वाले कैंडिडेट जिनके पास इतने ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है कि वो बहुत ज्यादा हलकों से लड़ सके, उनको साइडलाइन हो होना पड़ता है फिर इस सारे प्रोसेस के अंदर। तो लिहाजा वो कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का आर्टिकल 223 है ना उसको क्या किया जाए, अमेंडमेंट उसकी कर दी जाए, ताकि और ये अमेंडमेंट जब होगी तो उससे क्या होगा, जो सीट्स हैं उनकी क्या हो उनके ऊपर क्या कर दिया जाएगा, लिमिट पुट कर दी जाएगी इस कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट करने से, इस आर्टिकल की 223 की, ठीक है। तो वैसे तो सबसे बेस्ट तो फिर यूके वाले हैं ना, जो एक सीट के ऊपर एक हलके के ऊपर एक बंदा जो है वो इलेक्शन लड़ता है, दैट इज द बेस्ट थिंग, और यही होनी चाहिए कि अगर आपको एतमाद है तो आप एक हलके से इलेक्शन लड़ें। तो ये उसके अंदर वो डिस्कस करता है। अब बात रह गई ये पिल्डत की और यूएनडीपी की, इनको मैं आपको बता देता हूँ व्हाट दीज आर। तो पहले आ जाता है पिल्डत, ये मैंने थोड़े दिन पहले भी डिस्कस किया था, ये एक थिंक टैंक है, ठीक है ना, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। तो ये क्या है, एक किस्म का थिंक टैंक है, ये मुख्तलिफ किस्म की चीजों के ऊपर रिसर्च करता है, और उसके बाद क्या करता है ये रिपोर्ट्स देता है, और इन रिपोर्ट के बारे में फिर अल्टीमेटली जो कंसर्न पुलिसी डिपार्टमेंट है, जो पुलिसी बनाने वाले डिपार्टमेंट्स हैं, वो इन रिपोर्ट्स को क्या करते हैं, पढ़ते हैं, एनालाइज करते हैं, और फिर अपनी पुलिसीज के ऊपर वो गौर व फिक्र भी करते हैं, और जब नई पुलिसीज बनाते हैं तब भी देखा जाता है इन रिपोर्ट्स को। तो इसका भी जो बेसिक मकसद जो है इस थिंक टैंक का, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी का, 2001 के अंदर ये बनाया गया था, और इसका जो मेन पर्पस था वो यही है कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना फोकस किया जाए किसके ऊपर, डेमोक्रेसी के ऊपर, गवर्नेंस के ऊपर,
डेमोक्रेसी के अंदर गवर्नर्स के ऊपर एंड पब्लिक पॉलिसी के ऊपर, और इन चीजों के ऊपर क्या करता है ये फोकस करता है एंड आल्सो ऑर्गेनाइज करता है यूथ पार्लियामेंट को पाकिस्तान की। थोड़े दिन पहले भी एक एडिटोरियल आया था जिसके अंदर इसने यूथ का जिक्र किया था कि पाकिस्तान की जो यूथ है वो बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन वाइज वोटर जो है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर इनकी जो है जो परसेंटेज है वो बहुत कम है, ज्यादा इनकी परसेंटेज को बढ़ाया जाए अगर आप डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। सो फ्यू डेज बैक वी डिस्कस अबाउट इट, सो दैट इज थिंक टैंक। अब आज यूएनडीपी, ये क्या है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, आप सबको पता है यूएनओ का ये एक एजेंसी है और ये जो है 1965 के अंदर बनाई जाती है और इस हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क के अंदर है। तो ये क्वेश्चन अक्सर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है ना। अब इसका क्या है, ये भी कंट्रीज को हेल्प करती है मुख्तलिफ किस्म के कामों में, जैसे पॉवर्टी को कम करने के लिए और सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए और ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, तो इस तरह के जो काम है ये करने में क्या करती है, हेल्प आउट करती है डिफरेंट कंट्रीज की। तो इन्होंने भी क्या किया है, यूएनडीपी वालों ने भी यही कहा है कि जनाब अली आप ज्यादा हलकों के ऊपर इलेक्शन ना लड़ें, उससे क्या होता है आपकी इकोनॉमी के ऊपर जो है वो नुकसान होता है, आपकी इकोनॉमी भी खराब होती है और लोगों को अतमाद भी नहीं रहता। सो दैट इज ऑल इन योर फर्स्ट एडिटोरियल। नाउ वी मूव टुवर्ड आवर सेकेंड एडिटोरियल। अब सेकंड एडिटोरियल जो है वो बेसिकली है क्रिकेट के पर्सपेक्टिव में, क्रिकेट ऑडियो लीग की स्टोरी इसके अंदर वो डिस्कस करता है। अब ये है क्या, हल्का सा टच दे देता हूँ पेपर पर्सपेक्टिव में, तो मैं इसको बाद में लेके जाता हूँ। अब होता क्या, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उसका जो चीफ है जका अशरफ, उसका नाम है जनाब अली, उसकी एक ऑडियो लीक हो जाती है थोड़े दिन पहले जब वो अपनी फैमिली के साथ डिस्कस कर रहा होता है मतलब चीजों को। अब स्टोरी ये थी कि वर्ल्ड कप होता है इंडिया के अंदर 2023 का, तो पाकिस्तान बड़ा ही बैड परफॉर्म करता है, तो जब बाबर आजम वापस आता है तो उसको कहा जाता है रिजाइन दे दो, और वो रिजाइन दे देता है। और जैसे ही वो रिजाइन देता है तो 20 मिनट्स क्या होता है कि अनाउंसमेंट कर दी जाती है, और उस अनाउंसमेंट के अंदर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो क्या करता है, जो शान है उसको लगा देता है टेस्ट का, जो पाकिस्तान का टेस्ट है उसका कैप्टन बना देता है, और शाहीन शाह अफरीदी को T20 का क्या कर दिया जाता है, कैप्टन बना दिया जाता है। और साथ में ये भी बताया जाता है कि यहाँ पर पाकिस्तान जो है ना मोस्ट प्लेयर्स इन द करंट स्क्वाड, जो ज्यादातर प्लेयर्स यहाँ पर खेल रहे हैं पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के अंदर, वो क्लाइंट्स हैं किस चीज के, सिया कॉरपोरेशन के, ये एक सिया कॉरपोरेशन है उसके ये क्लाइंट्स हैं, और एक ये एक एजेंसी है जो कि तलहा रहमानी जो है वो उसको क्या करता है चलाता है। तो बेसिकली यहाँ पे ये कहा उस वक्त जो है जका अशरफ ने ये कहा, जो आपका चीफ सिलेक्टर था इंजमामुल हक उसने भी रिजाइन दिया, इंजमाम साहब ने भी रिजाइन दे दिया, और उसके बाद बाबर साहब ने भी क्या किया, कैप्टन जो था ये इन्होंने कैप्टन जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का कैप्टनसी से इन्होंने छोड़ दी इन्होंने। तो उस वक्त भी यही था, इनके खिलाफ तो इंक्वायरी भी चल रही थी, तो यही इल्जाम लगाया गया था कि ये जो है ना कॉरपोरेशन जैसे कोई कारोबार करने वाली कुछ एजेंसियां हैं उनसे इन्होंने मिलकर अपनी मर्जी के बंदे चूज करके पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में भेजे हैं, लिहाजा इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जाए, इन्होंने करप्शन जुके वगैरह के चार्जेस दे के इन्होंने उनसे पैसे लिए हैं, पर्सनल इंटरेस्ट अपने फुलफिल किए हैं। तो इस चीज को लेकर ये कहानी बनी थी, और अभी भी यही है, साया कॉरपोरेशन के नाम से वो कहते हैं एक कॉरपोरेशन है जो कि तलहा रहमानी उसको चलाते हैं, और उसकी मदद से क्या किया गया है, पाकिस्तान की जो टीम है उसके अंदर ज्यादा जो लड़के सेलेक्ट हुए हैं वो इसने सेलेक्ट करवाए हैं। तो ये थी सारी इसकी स्टोरी। और अब जो है जका अशरफ साहब की क्या हो जाती है, ऑडियो जो है वो लीक हो जाती है, तो उससे पता चलता है कि वो ऑडियो से ये आइडिया होता है कि वो बाबर आजम को वैसे भी ओहदे से हटाना चाहता था। सो दैट्स इट ऑल। तो इसके अंदर जो ये तो है सारी की सारी स्टोरी जो आपको पता चल गई कि क्या हो रहा है। अनदर थिंग इज कि पेपर पर्सपेक्टिव में अगर देखें तो अगर स्पोर्ट्स की कहीं पर बात आ जाती है तो आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान की जो स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस है वो पुअर क्यों है, वाई पुअर परफॉर्म, पाकिस्तान क्यों पुअर परफॉर्म करता है डिफरेंट जो भी आपके इंटरनेशनल गेम्स होती हैं, समर गेम्स हैं, ओलंपिक्स गेम हैं, डिफरेंट ओलंपिक गेम्स हैं, तो क्यों पाकिस्तान की पुअर परफॉर्मेंस है, एंड वन ऑफ द मेन रीजन इज करप्शन, सिलेक्शन बोर्ड जो है वो करप्ट है, दैट इज वन ऑफ द मेन रीजन कि मैरिट के ऊपर बच्चों की सिलेक्शन नहीं होती। सो दैट्स व्हाई आवर जो हमारी जो पाकिस्तान की स्पोर्ट्स है, हॉकी ले लें, क्रिकेट ले लें, कोई भी ओकर ले लें, वहां पर आपको क्या है कि अच्छी परफॉर्मेंस देखने को खिलाड़ियों की नहीं मिलती, क्योंकि खिलाड़ी मैरिट पर सिलेक्ट होकर नहीं आते। तो दैट इज द होल स्टोरी एक्सप्लेन अस। नाउ वी मूव थर्ड, थर्ड एडिटोरियल आपका क्या है जी, रेड सी फोर्स। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर सर पहले मैप आप देख लें, मैप से आपको बिल्कुल क्लियर आ जाएगा कि क्या है इसके अंदर। ये रहा आपका रेड सी, ठीक है, और ये है सऊदी अरेबिया जनाबी अली, यहां से स्टोरी शुरू करते हैं हम इसराइल से। ये रहा आपका इसराइल, ठीक है, और इसराइल का ये जो मेरा पॉइंट है, इसको अगर मैं इसका कलर चेंज करके देखता हूँ,
ये वाला पॉइंट जो है, ये है आपका गजा स्ट्रीप और ये है आपका वेस्टर्न बैंक, ठीक है। अब यहां पर गजा में इसराइल, जहां पर ये मेरा एरो है, इसराइल यहां पर कर रहा है अटैक, और इसके अटैक में यानी कि बजहर मुतलक जो मुसलमान फलस्तीनिया उनको जिबा कर रहा है वहां पर, उनके मर्डर कर रहा है। अब इसके रिस्पॉन्स में ये रहा आपका यमन, और यमन में जो हूतीज हैं, बागी जिनको ये कहते हैं, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ये रेड सी से, यार यहाँ पे है स्विस कनाल, तो यहां से ये सारे के सारे चलते हैं, ठीक है, और यहां से क्या है, इन इलाकों से ये क्या करते हैं, ऑयल वगैरह परचेज करके, ठीक है, तो सारी जो है ये बहरी जहाज गुजरते हैं और यहाँ इसराइल तक आते हैं। तो इन्होंने यहाँ से रेड सी से ही, रेड सी में इनके ऊपर कर दिया है अटैक। तो यहाँ से जो भी बहरी बेड़ा गुजरता है इसराइल का, या उन कंट्रीज का जो इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर ये यमन वाले जो हुतीज हैं वो क्या कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, वो उनको अटैक कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि इसराइल जो है गजा के ऊपर अटैक कर रहा है, ये जहां पर अटैक करना बंद कर दे तो हम यहां पर अटैक करना बंद कर देंगे, अदरवाइज हम अटैक करते रहेंगे। सो दैट इज द स्टोरी जी, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि ये इसके अंदर क्या है जी, कहता है कि अब ये बात, अब देखें इससे क्या हो रहा है, अब यहां पर गजा है और ये पूरे के पूरे रीजन के अंदर ना अब ये जंग जो है इस तरह से फिर क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। तो हम अब कह सकते हैं कि जो ये जो है ना, अगर इसको हम प्रॉपर पर्सपेक्टिव में डिस्कस करें, तो हम कह सकते हैं कि अब ये जो गजा का डिस्प्यूट था, अब इससे क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल अब ये यमन वाले हुतीस यहाँ पर अटैक कर रहे हैं, तो यहाँ पर अब अमेरिका अगर यहाँ पर अटैक करता है, फिर साथ में सऊदी अरेबिया है, ये ओमान है, तो ये जो है आस्था आस्था पूरे खित्ते के अंदर, अब यहाँ पर ईरान भी है जिसको कहा जाता है कि ये क्या करता है, यमन हुतीस को सपोर्ट करता है, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा कि ये पूरे का पूरे रीजन के अंदर जो है ये जंग जो है वो फैलने का खदशा है। तो यही टॉपिक है बेसिकली, कहता है गजा वार, अब टेंशन जो है वो पूरे रीजन के अंदर फैल सकती है। रेड सी मैंने आपको दिखा दिया है, यमनी जो होतीज है उन्होंने अटैक किया है इसराइल के शिप्स के ऊपर, और उनके जो तेल अवीव, तेल अवीव कैपिटल है इसराइल का, जो इसको सपोर्ट करते हैं, उनके ऊपर भी अटैक किया है। अब उसके रिस्पॉन्स में यूएसए ने क्या किया, ठीक है, अब बधारा रिस्पॉन्स भी तो देना था। तो यूएसए ने अनाउंस की है फॉर्मेशन ऑफ अ नावल टास्क फोर्स, एक नई नावल टास्क, यानी कि जो नावल क्या नेवी वगैरह जो होती है, जो बहरी जहाज, बहरी जो फोर्स है, उसका क्या किया उन्होंने, बनाई है, जो कि इन अटैक्स को रोकेगी, ठीक है ना, स्टॉप करेगी इन अटैक्स को। और इस जो लॉन्च की गई है ये स्कीम, इस स्कीम का नाम क्या है जनाबी, इसका नाम है ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्डियन। अब ये जहर पेपर पर्सपेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकते हैं वो, ठीक है ना, ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्डियन, तो ये है इसका जनाबी अली नाम, इस स्कीम का, जो कि लॉन्च की गई है इन होतीस को रेड सी में ऑपरेशन करने से रोकने के लिए, बहरीन के अंदर ये लॉन्च की गई है। अब होतीस ये कह रहे हैं कि वो फिर कहते हैं कि जो होतीस थे ना, वो पहले क्या थे, अमेरिका के अलाइड विद अमेरिका रिच राइवल ईरान, यानी कि वो ईरान के क्या है, सपोर्टर्स हैं, ईरान उनको सपोर्ट्स करता है। और जबकि इससे पहले क्या था, यानी कि ये अब की स्टोरी नहीं सुना रहा, ये सुलह होने से पहले की स्टोरी बता रहा है। अब तो ईरान और सऊदी अरेबिया के अंदर जो चाइना ने सुलह करवा दी थी ना काफी हद तक, और उससे पहले यमन की वार लगी हुई थी, तो तब जो था यमन जो था, यानी कि तब ये जो ईरान है बेसिकली, जब यहाँ पे यमन के अंदर जंग लगी हुई थी इन दोनों के दरमियान, उस वक्त जो ईरान है वो सपोर्ट करता था किसको, होतीस को। लेकिन अब सऊदी अरब और इस ईरान के दरमियान जो है वो सुलह करवा दी है किसने, चाइना ने, ठीक है ना। लेकिन ये अभी पुरानी बात आपके साथ डिस्कस कर रहा है कि 2015 की बात कर रहा है कि तब क्या था, ठीक है ना। तो तब ये था कि यूएसए जो है वो सऊदी अरेबिया के जो जब थी ना सऊदी अरेबिया, उसको हेल्प कौन करता था, यूएसए, और इन होतीस को हेल्प कौन करता था, ईरान करता था। लेकिन कहते हैं कि अगर इस इलाके में आप लोग पीस लेके आना चाहते हैं ना, तो आपको फिर गजा के अंदर जो जंग है ना उसको बंद करना पड़ेगा, और यहूदी भी यही कह रहे हैं कि आप वहां पर जंग बंद कर दें, हम अटैक करना बंद कर देंगे, लेकिन अगर आप जंग बंद नहीं करेंगे तो हम अटैक बंद नहीं करेंगे, और जब ये अटैक बंद नहीं करेंगे तो इस तरह की नेवल फोर्सेज ये बनाएंगे, ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी, ये इस तरह के नाम रख के ये ऑपरेशंस करेंगे, तो अल्टीमेटली फिर ये जंग है और ये जंग फिर फैलेगी पूरे खत्ते के अंदर, और इस जंग का फैलना फिर अल्टीमेटली और किसी के लिए फायदेमंद हो ना हो, यूएसए के लिए तो फायदेमंद होगा ही, क्योंकि फिर उनके हथियार जो है वो सेल होंगे, उनकी जो वेपन इंडस्ट्री है वो और ग्रो करेगी। सो ये है जी रेड सी की स्टोरी, जो कि अभी कंटिन्यू है।
और ये है जी टुडे डॉन पिक्चर। इसके अंदर बेसिकली ये मौलाना फजलुर रहमान जो है उनकी डिमांड की जा रही है फ्रॉम तालिबान, और ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट है। तो अब ये है मौलाना फजलुर रहमान को इस्तेमाल करके अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो रिलेशंस खराब हुए पड़े हैं उनको बेहतर करने की कोशिश की जा रही है कि ये बिंगा मीडिएटर जो है ये काम करें और पाकिस्तान और तालिबान गवर्नमेंट के दरमियान जो रिलेशंस हैं उनको वो बेहतर करने की कोशिश करें। सो जी दैट इज योर एडिटोरियल्स, और नेक्स्ट वी मूव टूवर्ड्स ओपिनियंस। ठीक है, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और बताना भी आपको चाहिए, एंड शेयर वगैरह करना दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब्सक्राइब ये वो जो है ये सारे काम आप लोगों ने ही करने हैं। क्लाइमेट अपॉर्चुनिटीज, क्लाइमेट चेंज का टॉपिक आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। बहुत ज्यादा ओपिनियंस मुख्तलिफ डिमेंशंस के अंदर इसके अंदर आ रहे हैं। COP28 हमने काफी ओपिनियंस के अंदर डिस्कस किया है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और पोल्यूशन भी जहर है इसी के साथ ये अटैच है, ये सारे टॉपिक्स आपस में हैं। तो ये करंट अफेयर में आपसे जरूर पेपर में आएंगे और ऐसे के अंदर भी जरूर आपको क्लाइमेट चेंज का टॉपिक ऐसे आएगा ही आएगा, लिहाजा आपको बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए इसका लिंकेज विद डिफरेंट थिंग्स। तो क्लाइमेट अपॉर्चुनिटीज की बात करता है, बड़ी प्यारी बात की है उसने, और बात उसने सीधी सी ये कर दी है। उसने कहा है, पहले मैं आपको करेक्शन बता देता हूँ, फिर उसने ये कहा कि जनाब ये जो क्लाइमेट अपॉर्चुनिटीज के अंदर जो अगर हम बात करूँ ना, तो पाकिस्तान को बड़ी प्यारी अपॉर्चुनिटी मिली है। ठीक है, पाकिस्तान को बड़ी प्यारी अपॉर्चुनिटी मिली है ये COP28 होने के बाद, और पाकिस्तान को चाहिए कि उससे फायदा उठा ले। अब उसमें अपॉर्चुनिटी थी क्या, वो हम डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान को क्या अपॉर्चुनिटी मिली है। ठीक है ना जी, वो कहता है कि पाकिस्तान जो है ना, पहला तो ये है कि जो लॉस एंड डैमेज फंड है ना उसके अंदर पाकिस्तान इलेक्ट हुआ है। पाकिस्तान वाज इलेक्टेड फाउंडिंग टू द फाउंडिंग बोर्ड ऑफ लॉस एंड डैमेज फंड, जो इसका बोर्ड है ना लॉस एंड डैमेज फंड का, उसके अंदर पाकिस्तान की भी सिलेक्शन होगी है, पाकिस्तान भी उसका अब क्या है रुकन है उस बोर्ड का। ठीक है, और इसके अलावा पाकिस्तान ने चार इंपॉर्टेंट कमेटीज जो बनाई गई थी, ठीक है ना, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, उन चार कमेटीज के अंदर क्या है पाकिस्तान जो है वो शामिल है। तो ये है पाकिस्तान की क्या अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान के लिए, कि वो कमेटियां जिन्होंने इस क्लाइमेट चेंज को दुनिया के अंदर देखना है कि कहाँ पर कितना पैसा लगाना है, टेक्नोलॉजी कहाँ पर काम करेगी, कैसे चीजों को बेहतर करना है, किसको कितने पैसे देने हैं, क्या पैरामीटर्स बनाने हैं, क्या पॉलिसी बनानी है। वैसे तो कई सारी कमेटीज हैं, लेकिन उनमें से जो चार इंपॉर्टेंट कमेटीज हैं उनका मेंबर कौन बन गया है, पाकिस्तान बन गया है। तो लिहाजा पाकिस्तान के लिए अब एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इन चार कमेटियों की डिस्कशंस के अंदर जो है वो अपने जो इंटरेस्ट हैं, पाकिस्तान के जो इंटरेस्ट हैं उनको वो सिक्योर कर सके। सो दैट इज द मेन ओपिनियन, मेन थीम ऑफ दिस क्लाइमेट अपॉर्चुनिटी ओपिनियन। और वो है क्या, पहली है CTEC, याद करने की आपको जरूरत नहीं है इनको, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आती रहेंगी, आपने बस एक जो मैंने बताया है वो आपके जहन में होना चाहिए। अगर आप बात करना चाहें वहां पर तो आप बता सकते हैं कि पाकिस्तान के पास ये अपॉर्चुनिटी है। टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव कमेटी इसको कहते हैं, पेरिस कमेटी ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग BCBC, एडवाइजरी बोर्ड ऑफ द सेंटीगो नेटवर्क ABSN, और द स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस SCF, इन सब का अंदर पाकिस्तान को क्या है हिस्सा मिल गया है, पाकिस्तान इसका रुकन बन चुका है। तो ये है पाकिस्तान की अचीवमेंट COP28 के अंदर। अब ये जो जो कमेटीज हैं ये करेंगी क्या, विल वर्क टू एड्रेस वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक हो गया, इंक्लूड टेक्नोलॉजी इनोवेशन एंड फाइनेंस टू अचीव द गोल्स ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट। तो यही तो काम है बेसिकली कि क्या करना है, इन्होंने मुख्तलिफ जो एस्पेक्ट्स हैं ऑफ क्लाइमेट चेंज के उनको एड्रेस करना है, जैसे कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाएगा, इनोवेशन का यूज, पैसों का यूज। तो ये सारे के सारे काम ये कमेटियां करेंगी। तो जब पाकिस्तान भी इसका हिस्सा होगा तो अल्टीमेटली इन सारी डिमेंशंस के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर, इनोवेशन के अंदर, फाइनेंस के अंदर पाकिस्तान को भी फायदा होगा। ये तो होगी अचीवमेंट। दूसरा वो कहता है कि अगर COP फेल भी हुई है ना कुछ एस्पेक्ट से, हम कहते हैं जैसे हम डिस्कस कर रहे थे नेगेटिव क्रिटिकल एनालिसिस फेल होगी किसी कुछ एस्पेक्ट से, अगर ये फेल भी होगी है तो फिर भी पाकिस्तान को फायदा है। ठीक है, वो कैसे है, वो ऐसे है
क्लाइमेट समिट फेल टू रीच क्लियर टाइम बाउंड एग्रीमेंट्स, कुछ अब फेलियर आपको बता रहा है ठीक है। तो उसके बाद मैं पहले बताऊंगा कि इन ये फेलियर का पाकिस्तान क्या फायदा हुआ, कि एक तो ये है कि क्लियर टाइम बाउंड एग्रीमेंट्स नहीं है ऑन द कार्बन ट्रेडिंग एंड फेज आउट कॉल, बस ये कह दिया गया है कि कोयले को और फॉसल फ्यूल्स को हम क्या करेंगे, खत्म कर देंगे, लेकिन कोई टाइम नहीं बताया गया, कोई एक्शन प्लान नहीं बताया गया, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। एक चीज तो ये है। दूसरी चीज क्या है कि COP28 में ये नहीं कहा गया ठीक है ना कि हम बिल्कुल फेज आउट कर देंगे, बिल्कुल खत्म कर देंगे, बल्कि ये क्या है कि हम फेजिंग डाउन करेंगे, यानी कि फॉसिल फ्यूल्स को फेज आउट करने की बात नहीं की गई, बिल्कुल खत्म करने की बात नहीं की गई, बल्कि क्या बात की गई है, फेज डाउन, कि हम इसको कम कर देंगे इनका इस्तेमाल। अब इसका भी पाकिस्तान में फायदा है। अब इस सारी चीजों का फायदा क्या है जी, अब इस सारे से क्या हो रहा है, पाकिस्तान को स्पेस मिल गई है। क्यों? क्योंकि जो फ्यूचर प्लान्स होने हैं ना, उनके अंदर अब पाकिस्तान जो है उसको क्या है, अब एक तो स्पेस मिल जाएगी, टाइम मिल जाएगा पाकिस्तान को, जो प्लान चल रहे हैं कि पाकिस्तान उनके ऊपर अमल दरामद कर सकेगा। और दूसरा, ग्वादर के अंदर जैसे पाकिस्तान का कोल पावर प्लांट है, अगर ये कहते कि इसको बंद ही कर दो, फेज डाउन कह देते, फेज आउट कह देते, कर दो सारे, तो हमें ये बंद करना पड़ना था, लेकिन उन्होंने कहा फेज डाउन। तो फेज डाउन का फिर क्या हो गया कि हम ये जो अपना ग्वादर का कोल पावर प्लांट है इसको भी चलाएंगे, साथ में इसके अंदर दूसरी जो एनर्जी है उसको एडअप कर देंगे। तो इस तरह से पाकिस्तान को क्या है, इसके जो बेनिफिट्स मिल जाएंगे COP28 के फेलियर वाले भी, और दूसरा टाइम बॉन्ड भी नहीं है हमारे पास, टाइम ही टाइम है, हम जो अपने प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं उनके ऊपर भी आप क्या कर सकेंगे, काम कर सकेंगे, बेशक वो क्लाइमेट क्राइसिस के जो है अपना कह सकते हैं उसकी वायलेशन ही क्यों ना कर रहा हो, लेकिन वक्ती तौर पे हमारा काम चल जाएगा। हाँ, फ्यूचर में आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट्स नहीं लगा सकते जो क्लाइमेट चेंज के जो है रूल्स के खिलाफ होगा, उसकी रीजन ये है कि आपको फिर फंडिंग नहीं मिलेगी, ना IMF देगा, ना चाइना देगा, या कोई भी मुल्क आपको ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए पैसे नहीं देगा। और आगे वो बात करता है VCMS की ठीक है ना, उनको क्रिटिसाइज करता है कि इनके अंदर लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है कम्युनिटी राइट्स की एंड आल्सो एमिशन रिडक्शन की। अब VCMS क्या है पहले आप ये देख लें, तो इनके ऊपर भी क्रिटिसिज्म करता है। VCM बेसिकली VCMS क्या है, वॉलेंट्री कार्बन मार्केट इसको कहा जाता है ठीक है ना, ये मुख्तलिफ काम करती है, और उन काम करने से क्या है जो है कार्बन एमिशन को कम किया जाता है। जैसे कि अगर वो बात की जाए, पहला काम है रिडक्शन को अवॉइड करना ठीक है ना, इसको कहते हैं कार्बन क्रेडिट टाइप। अब इसके अंदर क्या होता है बेसिकली के लिमिट द लॉस ऑफ नेचर, यानी कि जो फॉरेस्ट हैं या ऐसे चीजें हैं जो के कार्बन डाइऑक्साइड को रोकते हैं काफी ज्यादा होने से, उनको क्या कर देना, उनका लॉस ना करना, दरख्त ना काटना, सादा अल्फाज में कह देता हूँ, नया तो नहीं लगाना, जो है उनको ना काटना, एक ये काम हो जाता है। एडिशनल इमिशन अवॉइडेंस दूसरा काम है जी, कि अब क्या है अमिशन जो है उसको रिड्यूस कर दिया जाए करंट सोर्सेज से, और उस ये कैसे हो सकता है, फाइनेंशियली इंसेंटिव दिए जाए और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट हो जाए डीकार्बनाइजेशन की, और इसके लिए वो क्या कहते हैं आगे वो आपके साथ डिस्कस करते हैं सारे का सारा प्लान, कि आप लोगों ने दरख्त नहीं काटने ठीक है। तो ये है वॉलंटरी कार्बन मार्केट्स, लगाने तो बाद की बात है, काटने नहीं है। और फिर आगे आगे जाके भी इसको डिस्कस करता है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, इसके अंदर को बताता है कि आपने टेक्नोलॉजी इस्तेमाल भी कर लेना है। अब टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से क्या मुराद है बेसिकली, पहले क्या है जी आप दरख्त काटते हैं ठीक है, और साथ ही उसके लिए पुराने दरख्तों को काट के नए दरख्त वहां पर फौरन लगा देते हैं। पुराने दरख्तों को आप लेके जाते हैं किसी भी अपना इंडस्ट्री के अंदर, वहां पर उसको आप जलाते हैं और उनसे एनर्जी हासिल करते हैं, और उसकी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है उस कार्बन डाइऑक्साइड को आप स्टोर कर लेते हैं, और स्टोर करने के बाद उसको सॉलिड फॉर्म के अंदर या जैसे भी उसको आप लोग क्या कर देते हैं जमीन के अंदर, उसको आप लोग जिस तरह दफना देते हैं या इस तरह से कुछ कर लेते हैं, उनको स्टोर कर देते हैं। तो उससे क्या होता है आपने एनर्जी भी हासिल कर ली, पुराने दरख्तों की जगह पर नए दरख्त भी लगा दिए, वहां से भी ऑक्सीजन का भी आपने सॉर्ट आउट कर लिया, और साथ साथ आपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस हवा में भी नहीं छोड़ी। तो ये इस तरह के है वॉलंटियर कार्बन मार्केट्स है, लेकिन वो कहता है ये कहने में तो ऐसे काम कहते हैं करेंगे लेकिन ये करते नहीं है, वायलेशंस करते हैं। और दूसरी को यहाँ पर डिस्कस करता है, ये कंसेप्ट्स हैं बेसिकली, तो मैंने मुनासिब समझा कि इनको डिस्कस कर दूं, जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टी पार्टनरशिप। अब इसके बारे में वो डिस्कस करता है कि ये क्या है जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप। अब ये बेसिकली क्या है, ये भी एक फाइनेंस का मैकेनिज्म है जिसमें क्या होता है कि जो अमीर मुल्क है वेल्थियर नेशंस हैं वो फंड करती हैं किन कंट्रीज को, जो गरीब हैं कोले के ऊपर डिपेंडेंट हैं डेवलपिंग नेशंस हैं, उनको वो पैसे देती हैं ताकि वो क्या करें कोले को छोड़ दें और अपनी जो एनर्जी है उसको क्लीन एनर्जी की तरफ क्या कर दें शिफ्ट कर दें ठीक
ठीक है, तो इसको कहते हैं जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप, ठीक है, JETP, इसका भी उसने इसमें अंदर जिक्र किया। अब इससे किस किस ने फायदा उठाया वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप, ठीक है, ये बेसिकली जर्मनी, यूएई, जापान, बर्तानिया और यूएसए ने जो साइन किया था एक एग्रीमेंट, और उस किसके साथ, साउथ अफ्रीका के साथ, इंडोनेशिया के साथ और वियतनाम के साथ, कि ये वाले जो मुल्क हैं ये क्या करेंगे, पैसे देंगे किन को, साउथ अफ्रीका को, इंडोनेशिया को और वियतनाम को, ताकि क्या करें, ये अपनी एनर्जी जो है कोले से शिफ्ट करके ग्रीन एनर्जी की तरफ आ जाए। साउथ अफ्रीका को कहता है कि 2021 के अंदर JETP उसने एग्रीमेंट साइन किया और अब तक वो 8.5 बिलियन रुपीस जो है वो रिसीव कर चुका है इन पब्लिक एंड प्राइवेट फाइनेंस ओवर 3 to 5 ईयर, 3 से 5 साल के अंदर अंदर वो इतने पैसे इकट्ठे ले चुका है विद एडिशनल फंडिंग $3.5 बिलियन। ये पैसे किसको दिए गए हैं जनाब अली, साउथ अफ्रीका को। इंडोनेशिया और वियतनाम अभी तक $20 बिलियन और $15.5 बिलियन जो है वो ले चुका है 2022 से। तो आप भी अगर पाकिस्तान भी इस किस्म की डील जो है इन कंट्रीज के साथ करता है तो अल्टीमेटली फिर पाकिस्तान को भी बेनिफिट्स होंगे, पाकिस्तान को भी पैसे मिलेंगे और ताकि वो अपनी जो एनर्जी है उसको ग्रीन की तरफ लेकर, ग्रीन एनर्जी की तरफ लेकर आए। सो दैट इज ऑल विच ही डिस्कस इन क्लाइमेट अपॉर्चुनिटीज। नो वी मूव यू आवर जो है नेक्स्ट अपना ओपिनियन उसकी तरफ, हंकरिंग डाउन। हंकरिंग डाउन के अंदर जनाब आपकी बात करेगा गैस की, नेचुरल गैस इसे आप कहते हैं, ठीक है। और वो कहते हैं कि आज टुडे हम तकरीबन जो है अ क्वार्टर ऑफ द गैस, क्वार्टर बेसिकली जैसे ये चार हिस्से कर दिए जाए तो एक हिस्सा 25%, तो ये हम क्वार्टर ऑफ द गैस जो है वो क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और इसके बारे में वो क्रिटिसिज्म करता है कि हम इंपोर्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी ये जो आदत थी ना हंकरिंग डाउन की, ये उसका रिजल्ट है। ये अगर हमारी आदत ना होती हंकरिंग डाउन की तो हमें कोई चीज इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़नी थी, ये गैस जो है इसको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़नी थी। तो कहता क्या है थी? अब हंकरिंग डाउन पहले आप समझ लें व्हाट इज हंकरिंग डाउन, बेसिकली एक फ्रेजल ऑफ वर्ब है। ये कहता है टू मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल इन अ प्लेस और सिचुएशन और टू प्रिपेयर टू स्टे इन अ प्लेस और पोजिशन फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि बात क्या है कि कंफर्टेबल रहना है बस, अपने आप को चेंज नहीं करना, रिफॉर्म्स नहीं करनी, ठीक है ना, रिफॉर्म्स नहीं करनी, अपनी सिचुएशन को बदलना नहीं है, कंफर्ट जोन नहीं जैसे हम लफ्ज बोलते, उस जोन के अंदर अंदर ही रहना है, ठीक है ना, कि बस मुझे प्रोटेक्शन मिल जाए, टाइम मेरा गुजर जाए और ज्यादा लंबा नहीं सोचना, टेंशन नहीं लेनी, प्रोवोट सुकून लेना। तो ये काम हमने किया है किसके साथ, अपने गैस वाले सेक्टर के साथ। सो दैट इज द रीजन कि अब क्या हो रहा है, अब हमारे गैस जो है वो इंपोर्ट करनी पड़ी है, ये हमारी हंकर डाउन जो है सोच की वजह से। अब वो हंकर डाउन सोच हमने कहाँ कहाँ इस्तेमाल की, अब उसको हम देखते हैं। स्टोरी बताता है, कहता है नेचुरल गैस पाकिस्तान के अंदर पहले जब 1947 में पाकिस्तान बन जाता है, उसके बाद जो फर्स्ट पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज जो होती है ना पाकिस्तान के अंदर जो क्रिएट की जाती है वो है पाकिस्तान पेट्रोलियम, 1950 के अंदर ये क्रिएट की जाती है। वैसे आई थिंक सो 1952 या 1954 के अंदर सिम्बी के अंदर आप लोगों की गैस जो है वो आपने डिस्कवरी की थी। अब कहते हैं कि जब ये गैस हमें मिल जाती है तो फिर सबसे पहला काम होता है फर्टिलाइजर का, तो हम गैस से बनाना शुरू कर देते हैं फर्टिलाइजर्स, खादें वगैरह। अब ये कैसे बनते हैं, जिन बच्चों ने केमिस्ट्री पढ़ी हुई है दे नो वेरी वेल कि जिस तरह आपका यूरिन होता है उसके अंदर यूरिया होता है, तो इस तरह आपका जो है CH4 होता है मिथेन का फार्मूला, जो कि आपकी गैस जो है नेचुरल गैस का ज्यादा पोर्शन CH4 होता है, बाकी भी होती है, तो इसी का जो है कार्बन और हाइड्रोजन की जो है एक बॉन्डिंग से ही यूरिया बनता है, जिसको हम यूरिया खाद कहते हैं, ठीक है बेसिकली। तो ये उनके लिए उनको पता ही होगा। तो बहरहाल आप लोग यूरिया खाद जो बनाते हैं वो नेचुरल गैस से बनती है। तो पाकिस्तान में फर्टिलाइजर आ गई, जैसे फिर कंपनियां बननी शुरू होगी, पहले एग्रो, फिर एसओ, फिर फौजी फर्टिलाइजर, तो यहां पर गैस का इस्तेमाल होना शुरू हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद जो है गैस का इस्तेमाल शुरू हो गया पावर जनरेशन के अंदर, जैसे गुड्डू थर्मल पावर प्लांट की बात करता है कि टोटली हमारा गैस के ऊपर चल रहा था, दो काम हो गए। तीसरा फिर हमने काम कर दिया डोमेस्टिक यूज के लिए कि हमने घरों में इसकी सप्लाई दे दी, इसको इस्तेमाल करो। अब ये क्या है, नेचुरल गैस है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं,
उसके बाद और इंडस्ट्रीज जैसे सीमेंट है और टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उन्होंने भी क्लेम किया कि हमें भी नेचुरल गैस की सप्लाई दो ताकि हम इसको यूज करके पावर सेक्टर के अंदर अपने के अंदर अपने ब्रॉयलर वगैरह जो है हमको चलाएं। तो ये सारी की सारी क्या चीजें थी जहां पर हमने नेचुरल गैस को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया फर्स्ट वन बाय वन। अब क्या हुआ, अब इसका रिजल्ट ये निकला कि जब हमने गैस को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो उसके बाद हमने इसके ऊपर प्रॉपर प्लानिंग नहीं की, प्राइस रिफॉर्म नहीं की इसकी, ठीक है, और नई डिस्कवरीज नहीं की। तो जब ये काम नहीं किए तो हमारे पास गैस जो है अब शॉर्ट हो गई और हमें गैस जो है वो इंपोर्ट करना पड़ी। और जब हमें गैस इंपोर्ट करना पड़ती है तो जैसे जैसे इंटरनेशनल मार्केट में गैस की जो प्राइस है बढ़ती है तो हमारी इकोनॉमी के ऊपर जो है फिर बर्डन भी बढ़ता है। तो उससे क्या होता है, हम पाकिस्तान को जो शॉक्स लग रहे हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी को ग्लोबल ओर एंड गैस प्राइजेस के बढ़ने की वजह से, सो दैट इज वन ऑफ द रीजन। आगे वो कहता है कि फिर वो बताता है कि गैस की रिफॉर्म्स की बात करता है, कहता है गैस की जो प्राइस है उसकी रिफॉर्म्स की बात की गई थी 1980 के अंदर लेकिन कोई रिफॉर्म नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, कहता हुई इसलिए नहीं कि जब गैस की प्राइस की रिफॉर्म जो है उसकी बात की गई तो फिर एक चेन बनाकर हमारे सामने रख दी गई। वो क्या थी कि गैस से बनाते हैं फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर यूज होता है एग्रीकल्चर में और एग्रीकल्चर से हम लोग फिर फूड तैयार करते हैं। तो लिहाजा अगर हम गैस की कीमत बढ़ा देंगे तो फिर फूड की कीमत भी बढ़ जाएगी जो कि एक अच्छा मेजर नहीं है, लोगों की जो फूड का मसला होगा लोगों को फूड की महंगी हो जाएगी। तो लिहाजा इस चेन की वजह से फिर क्या किया, किसी किस्म की गैस की जो प्राइजेस है उसके अंदर रिफॉर्म्स नहीं की गई। आगे वो कहता है कि इसके बाद फिर बताया गया कि डिस्कवरीज करो, ये भी अलार्म दे दिया गया कि जनाबियरी जो आपके रिजर्वायर्स हैं वो खत्म होने वाले हैं, जो भी रिजर्व गैसेज आपके पास पड़ी हैं जो आपके जखायर हैं वो खत्म होने वाले हैं, लिहाजा नई जो है ना डिस्कवरीज करें। तो ये भी खबरदार कर दिया गया लेकिन इसके ऊपर भी कोई तवज्जा नहीं दी गई। और फिर फाइनली रिजल्ट ये निकला कि पाकिस्तान जो है रन आउट हो गया, यानी कि इसके जो रिजर्व्स हैं वो अब नीचे आना शुरू हो गए, हमारी जरूरत से वो कम हो गए। तो फिर अब फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ 2015 के अंदर कि हमें जो है गैस जो है वो इम्पोर्ट करना पड़ी। और अब हम इम्पोर्ट कितना कर रहे हैं, क्वार्टर ऑफ द गैस जो कि हमारी कंट्री इस्तेमाल करती है उसका क्वार्टर ऑफ द गैस हम क्या कर रहे हैं, कंज्यूम इम्पोर्ट करते हैं। और उससे फिर अब क्या हो रहा है कि जो है नो अब जो प्राइजेस हैं वो बढ़ती हैं और बढ़ती जाती हैं। एक दफा मंगाया तो और प्राइस थी, दूसरी दफा और होगी, तीसरी दफा और होगी, यूक्रेन वार लगी प्राइस महंगी होगी, गजा वार लगी प्राइस महंगी होगी। तो उससे क्या हो रहा है कि अब आपकी जो इकोनॉमी है उसको अच्छे भले झटके लग रहे हैं। सो दैट इज द होल स्टोरी ऑफ योर पावर सेक्टर ऑफ योर नेचुरल गैस, जो कि उसने एक्सप्लेन की इन दिस ओपिनियन के अंदर कि किस तरह से जो है रिफॉर्म्स नहीं की गई तो उसका जो है ये खमियाजा भुगतना पड़ा। तो यू कैन डिस्कस दिस इन योर पावर, जो आपका होगा ना पावर का टॉपिक, एनर्जी क्राइसिस का टॉपिक, उसके अंदर आप कह सकते हैं कि टाइमली डिसीजन नहीं लिए गए, जैसे कि प्राइस के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, किसको देनी चाहिए किसको नहीं देनी चाहिए, एंड थर्डली नई डिस्कवरीज नहीं की गई। सो दीज आर द थ्री मेन रीजन आप जो है एनर्जी क्राइसिस के अंदर इनको एडअप कर सकते हैं। अब ये चीजें जो है ना एडअप कहाँ करना है कैसे करना है, ये एक दिन का काम नहीं है। आप में से जो मेजोरिटी आती है हमारे एजुकेशन सेक्टर से निकलकर, उनको कोर्स आउटलाइन से तो पढ़ने की आदत नहीं होती, उनको आदत होती है किताबों से पढ़ने की। तो फिर ये इस तरह से चीजों को लिंक करना, चेन बनाना, इट्स टेक टाइम, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जब आप हैबिचुअल हो जाएंगे तो आपको आइडिया होता जाएगा कि ये चीजें कहाँ कहाँ पर फिट होनी है। सो टाइम लगेगा, इतनी जल्दी नहीं होने वाला, आपको पूरे का पूरा अपना शिफ्ट करना पड़ेगा पुराने एजुकेशन सेक्टर से एक नए अंडरस्टैंडिंग एनवायरनमेंट के अंदर, तो वो शिफ्टिंग में थोड़ा सा टाइम तो लगता है। तीसरा जो आपका एडिटोरियल ओपिनियन है एंड सिक्स हमारा जो चैप्टर है इसके अंदर, वो है क्लाइमेट रेजिलियंस की बात करता है। अभी हमने क्लाइमेट की बात की, दोबारा से फिर वो क्लाइमेट पे आ जाता है। और वो कहता है क्या है इसके अंदर, वो ये कहता है कि क्लाइमेट रेजिलियंस के अंदर ये बात करता है कि जितने भी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं ना पाकिस्तान के अंदर, डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स, उनको क्लाइमेट प्रूफ बनाना चाहिए। दैट इज द मेन टॉपिक, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर वो बात करेगा कि जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स नए लगने वाले हैं इसके बाद, तो वो सारे ऐसे होने चाहिए कि वो क्लाइमेट रेजिलियंट हों, ठीक है जी। और वो कैसे क्लाइमेट रेजिलियंट होंगे उसके ऊपर क्या डिस्कशन इसने की इस ओपिनियन के अंदर, सो हम उसको अब देखते हैं। सो जी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कहता है कि आईएमएफ ने पाकिस्तान को ये भी कहा
कि जब नया बजट आप बनाएंगे ना 24 और 25 का, तो उस बजट के फिस्कल ईयर का जो नया बजट बनाएंगे उस बजट को आपने बनाना है, ग्रीन बजटिंग करनी है, क्लाइमेट फ्रेंडली बजट आपका होना चाहिए। मतलब कि जितने भी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स होंगे उनके अंदर आपने क्लाइमेट पे फोकस जरूर करना है, यानी कि ऐसे बजट्स बनाने हैं जो क्लाइमेट रेजिलियंस हो, जो क्लाइमेट की तब्दीली से कम डिस्टर्ब हों, कम से कम तबाह हों, जो भी नया प्रोजेक्ट बनाया जाए। तो ये IMF ने भी पाकिस्तान को कहा। अब वो कहते हैं कि ये कैसे है, यानी क्या क्या होगा फिर। कहते हैं क्लाइमेट चेंज जो है ना इन डेवलपमेंट प्लानिंग, ये रहेगा फिर फोकस के जब भी आप डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग करेंगे तो क्लाइमेट चेंज को आप क्या करेंगे उसको भी देखेंगे। और उसकी वो एग्जांपल इस तरह से देता है कि पिछले साल 2022 के अंदर पाकिस्तान में फ्लड आता है, 30 बिलियन का लॉस हो जाता है, लॉस और डैमेज $30 बिलियन का, ठीक है। अब ये क्यों, अब इतना लॉस हुआ है और फ्लड पाकिस्तान के अंदर कंटिन्यूसली आ रहे हैं, तो वो कहता है अब जो तबाही तो ये होगी, सड़कें टूट गई, मकान टूट गए लोगों के, और आपके जो रिवर्स हैं ओवरफ्लो कर गए, ठीक है, आपकी फसलें तबाह हो गई और बड़ा कुछ हुआ। अब ये सारी जो तबाही हुई है ना, अब दोबारा से जाहिर है आपने इनको रिकंस्ट्रक्ट करना है इन प्रोजेक्ट्स को, लेकिन जब अब रिकंस्ट्रक्ट करेंगे ना तो आपके जहन में ये चीज होनी चाहिए कि फ्लड दोबारा आना है, लेकिन जब दोबारा फ्लैट आए तो इन चीजों को वो डैमेज ना करे। तो इस तरह से आपने सड़कें बनानी है, इस तरह से पुल बनाने हैं, इस तरह से आपने अपने दरियाओं की, नदी नहरों की आपने सेटिंग करनी है, ये सारे काम आपने इस तरह से करने हैं, इस तरह से आपने क्लाइमेट जो है रेजिलियंस प्रोजेक्ट्स के ऊपर आपने वर्कआउट करना है। आगे वो कहता है वंस द डेवलपमेंट प्रोसेस इज मेड क्लाइमेट प्रूफ, एक दफा जब डेवलपमेंट का प्रोसेस ये हो जाए ना क्लाइमेट प्रूफ, तो उसके बाद क्या है, सेटिंग द राइट प्रायोरिटीज द नेक्स्ट गोल पोस्ट। नेक्स्ट गोल पोस्ट क्या है, तो राइट प्रायोरिटीज हमने डिसाइड करनी है। पहला तो यह है कि हम अपने डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर क्लाइमेट को ले आए, उसके बाद फिर दूसरे काम करने हैं, दूसरे जैसे वाटर कंजर्वेशन का काम हमने करना है कि पानी जो है उसके उसके ऊपर हमने फोकस करना है। जैसे अब जो है फ्लड आया हुआ है, पानी कितना ज्यादा आया हुआ है, पानी को सेव कैसे कर सकते हैं, पानी को अच्छे तरीके से यूज कैसे कर सकते हैं, फ्लड का पानी कैसे स्टोर कर सकते हैं, कैसे अच्छे तरीके से उसको यूज किया जा सकता है, तक ना कि नेक्स्ट टाइम जब फ्लड आए तो हम वही वाला पानी जो है उसको क्या कर लें, स्टोर कर लें। इस तरह के हमने चीजों के ऊपर फोकस करना है। डिजास्टर मिटिगेशन, कैसे डिजास्टर जो है उनसे कम से कम हम बढ़ सकते हैं। रिजिलियंट एग्रीकल्चर, कैसे वो वाले बीज हम लोग लगाएं जो के वो वाली फसल जो कि अगर हीट बहुत ज्यादा हो, बारिश बहुत ज्यादा हो जाए तो उसके खिलाफ वो क्या करे, खड़ी रहे, जल्दी वो पौधे जो है वो तबाह ना हो, ठीक है ना। जैसे गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है ऐसे पौधे, सर्दी बहुत ज्यादा हो जाए, तो क्लाइमेट रेजिलियंट आपकी एग्रीकल्चर होनी चाहिए। इरिगेशन सिस्टम आपका बड़ा एफिशिएंट होना चाहिए, निकासी का इंतजाम जो है पानी का। और इसके अलावा जो ब्राउन सेक्टर है उसकी आपने रिड्यूसिंग एमिशन, ब्राउन सेक्टर बेसिकली कहते हैं द हाईएस्ट ग्रीन हाउस गैसेस, वो वाला सेक्टर, वो वाली इंडस्ट्री जहां पर सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं, सबसे ज्यादा उनको हम कहते हैं ब्राउन सेक्टर। जैसे स्टील इंडस्ट्री होगी, सीमेंट इंडस्ट्री होगी और दूसरी इंडस्ट्रीज होगी, तो इनकी जो एमिशन है उसको कम कर दें। और उसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी के रिसोर्सेज आप लोग इस्तेमाल करेंगे हम लोग। उसके अलावा प्रिवेंशन जो है, पब्लिक हेल्थ सिस्टम बेहतर करेंगे। हमें पता है कि जब अब फ्लड आया है तो वहां पर लोगों को कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा है, जैसे कि वहां पर वबा फैल गई है मुख्तलिफ किस्म की गंदगी की वजह से, दोबारा अगर फ्लैट आता है या दोबारा बारिश ज्यादा होती है तो इस तरह की प्रॉब्लम्स दोबारा भी आ सकती हैं। तो हमें ऐसी प्रॉब्लम के लिए पब्लिक हेल्थ सिस्टम ऐसा बनाना चाहिए जो हर तरफ तैयार रहे। सैनिटेशन और स्ट्रॉन्ग ड्रेनेज, सैनिटेशन का सिस्टम अच्छा होना चाहिए जो आपके गटरों वगैरह का, ताकि गंदगी ना पैदा हो। और स्ट्रॉन्ग ड्रेनेज, और जब ये तूफान वगैरह आते हैं, फ्लैट्स वगैरह आते हैं, तो उनका पानी जैसे साउथ को जापान वालों ने किया हुआ, आई थिंक सो उन्होंने क्या किया हुआ है, अपने जो है सिटी, ये अगर सिटी है तो उसके नीचे बहुत बड़ी बड़ी उन्होंने क्या कर दी है, ये जिस तरह हम गटर बनाते हैं बहुत बड़े बड़े उन्होंने अंडरग्राउंड टनल्स बना दी हैं, तो जैसे ही सुनामी वगैरह आता है तो वो पानी क्या करता है, इसके अंदर चला जाता है और यहाँ से वो पंप करके दोबारा समुद्र में फेंक देते हैं, तो पूरे का पूरा सिटी जो है वो डूबता नहीं है। तो हमें भी ऐसी जो है ना बड़ी बड़ी टनल्स बना के नीचे रखनी चाहिए, जब बारिश का बारिश आए, फ्लैट आए, तो पानी उसके अंदर
चला जाए। जस्ट लाइक दिस वो कहता है कि इस तरह के काम आप लोगों ने करने हैं जो कि क्लाइमेट रेजिलियंस हो। और इसके साथ साथ वो कहता है कि पाकिस्तान की जो नेशनल क्लाइमेट रेजिलियंस एंड अडाप्टेशन प्लान है ना 2023 टू 2030, उसके ऊपर भी हमें क्या करना है, साथ में फोकस रखना चाहिए। तो ये सारे के सारा हेल्पफुल रहेगा फॉर क्लाइमेट रेजिलियंस। नेक्स्ट वो कहते हैं कि क्लाइमेट पब्लिक जो एक्सपेंडिचर्स है ना, या तो ये तो बातें होगी ना, लेकिन इससे पहले जो 2017 में एक रिव्यू आया था क्लाइमेट पब्लिक एक्सपेंडिचर्स एंड इंस्टीट्यूशनल रिव्यू, उस रिव्यू के अंदर पहले ही बता दिया गया है कि पाकिस्तान पहले ही जो है काफी पैसा खर्च कर रहा है अपने बजट का किसके ऊपर, इसके ऊपर क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स के ऊपर, ताकि इनको हम कम से कम क्लाइमेट चेंज के जो इम्पैक्ट्स हैं वो कम से कम हो। IMF तो अब कह रहा है ना, लेकिन पाकिस्तान पहले ही अपने बजट का अच्छा खासा जो है पोर्शन जो है वो कहाँ पर, साइजेबल जो पोर्शन है अपने बजट का वो पहले ही खर्च कर रहा है इस काम के ऊपर। लेकिन कहता है कि अब क्योंकि आबादी बढ़ गई, दुनिया बढ़ गई, मसले मसाइल बढ़ गए, तो अब जो गैप है ना, फाइनेंशियल गैप वो भी बढ़ गया है, वो एग्जिस्ट करता है। फाइनेंशियल गैप क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये हमें अब क्लीन एनर्जी है, ठीक है, मैं सादी सी बता लेता हूँ, और यहाँ पर कोयल एनर्जी है, ठीक है। अब कोयल एनर्जी से हम फॉर एग्जाम्पल जी 2 मेगावाट ले रहे हैं, अब इससे भी हमें लेना है 2 मेगावाट, ठीक है। अब इससे अगर ये क्लीन एनर्जी का प्रोजेक्ट लगाना है, ये लगाने के लिए आपको 10 लाख चाहिए, ये लगाने के लिए आपको 30 लाख चाहिए, ये हमारा चल रहा है। अब हमारे पास तकरीबन 10 लाख ही है, ये 10 लाख और 20 लाख पर हमारे पास है, और हमें कहा जाता है कि जनाब यार इस पे आओ, तो हम कहेंगे 10 लाख हमारे पास नहीं है, सो डैट इज गैप। अब वो गैप कहाँ से पूरा होगा, वो फिर गैप होगा जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारी पूरा करेंगी। तो अब जो गैप चल रहा है ना फाइनेंशियल के, पूरे का पूरा क्लाइमेट रेजिलियंस इन्वायरमेंट हम पैदा कर दें, वो तकरीबन चल रहा है $10.70 बिलियन का पर एनम नेक्स्ट 35 to 40 ईयर्स तक, हमारा इतना गैप जो है एस्टिमेटेड हमारा जो है इतने पैसों की हमें जरूरत पड़ा करेगी। सो दैट इज ऑल विच ही डिस्कस इन दिस ओपिनियन, क्लाइमेट रेजिलियंस की बात उसने की है। एंड दैट इज योर टूडे फाइनल। इसके अंदर वो बात करता है डॉक्टर की, डॉक्टर अजरा रियाज, अजरा रजा इसका नेम है, पाकिस्तान की वो डॉक्टर थी, पाकिस्तान में पैदा होती है, उसके बाद वो कराची यूनिवर्सिटी से करती है, पढ़ती है और USA चली जाती है, वहां पर जाके फिर वो ये काम करती है। तो इसकी बेसिकल कैंसर के ऊपर इसकी सारी रिसर्च है, तो वो ऑनकोलॉजी, ऑनकोलॉजी का वर्ड उसने यूज किया यहाँ पर, ठीक है ना। तो ऑनकोलॉजी होता है स्टडी ऑफ कैंसर। अब कैंसर क्या होता है कि जनाब यार ये आपकी बॉडी है, ये सेल्स हैं आपके, ठीक है। अब यहाँ पर लहदा से सेल जो है, जिसे ट्यूमर हम कहते हैं, एक्स्ट्रा सेल बनने शुरू हो जाए जो आपकी बॉडी का हिस्सा ना हो, तो ये कैंसर होता है, अनकंट्रोल्ड सेल लहदा से प्रोडक्शन, तो इसको फिर क्या किया जाता है, आपकी बॉडी से निकाल कर बाहर फेंक दिया कहा जाता है। तो दैट इज ऑनकोलॉजी से कहा जाता है स्टडी ऑफ कैंसर को। तो ये सारे के सारा उसके ऊपर है। तो उसने कुछ यही बातें की हैं कि पहले जो था कैंसर की बातें उसने की हैं और हेल्थ के बारे में बातें की हैं, लेकिन पेपर परस्पेक्टिव में इसके अंदर मुझे कोई ऐसी खास चीज नजर नहीं आई, सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट योर टाइम, ठीक है। सो दिस इज टुडे लेक्चर, और दुआ में याद रखिएगा एंड कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।